बड़ी खबर है, पांचवें चरण के रण में मुख्यमंत्री योगी चुनाव प्रचार करेंगे। आज चार जिलों में उनकी चुनावी रैलियां हैं, अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती और बहराइच में। बाराबंकी में उनका संबोधन चल रहा है। इधर अयोध्या के नरौली में उनकी एक रैली है और वहां पर वो रोड शो भी करेंगे। भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के लिए आज योगी आदित्यनाथ वहां पर वोट मांगेंगे। चलिए आपको सीधा अयोध्या के लिए चलते हैं। क्या वातावरण है उनकी रैली और रोड शो के पहले अयोध्या में, ये हमको बताने जा रहे हैं नितिन उपाध्याय, वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या दृश्य है वहां पर? देखिए बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन का मेगा प्रचार अभियान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी में उनका जो कार्यक्रम है वो हो गया है, तो बहराइच श्रावस्ती के बाद उनके अयोध्या में तीन कार्यक्रम है। अयोध्या में वो नरौली पहुंचेंगे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ये दूसरी जनसभा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो गोसाईगंज में जो गठबंधन प्रत्याशी है आरती तिवारी, उनके लिए वो यहाँ की जनता से समर्थन मांगे। और 3:30 बजे यहाँ कार्यक्रम है और उसके बाद 4:30 बजे वो पहुंचेंगे अयोध्या। और अयोध्या में साकेत महाविद्यालय के जो टेढ़ी बाजार चौराहे से रोड शो शुरू करेंगे, वो रोड शो कहा जाए नया घाट बंधा तराई पर खत्म होगा। कुल मिला के कहा जाए पूरी तरह से भगवान राम की शरण में इस समय योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं और लगातार भगवान राम का वो जिक्र कर रहे हैं, लगातार वो भगवान वो राम के मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। पूरी तरह से इस समय जो जनसभा स्थल है वो तैयार है और 3:30 बजे का यहाँ कार्यक्रम है। गठबंधन प्रत्याशी है जिसमें जो निषाद पार्टी और बीजेपी और अपना दल एस की जो कहा जाए गठबंधन प्रत्याशी गोसाईगंज रजनी आरती तिवारी, उनके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और उससे पहले वो नरौली में भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका अयोध्या में रोड शो है। बड़ी बात यह है कि कल अखिलेश यादव भी अयोध्या पहुंचेंगे और उनका भी रोड शो की सूचना आ रही है, वो भी रोड शो करेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए पांचवें चरण में जो पूरी तरह से कहा जाए सियासी का जो अखाड़ा है वो अयोध्या बन गया है। बीजेपी कह रही है हम तो राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं उनको जनता करारा जवाब देगी, तो वहीं अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस पर क्या काउंटर करते हैं। ठीक है नितिन, आपने दृश्य दिखाया इस रैली का और वहां पे क्या इस वक्त वातावरण है हमारे दर्शकों ने देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका।